अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो खजूरी बाजार आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्केट है। यहाँ पर बहुत ही कम दामों में और सभी कोर्सेज की किताबें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। साथ ही यहाँ पर किराए पर भी किताबें मिलती हैं और सेकेंड हैंड किताबें भी आसानी से मिल जाती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। तो आइए हम जानते हैं यहीं के एक दुकानदार से इस मार्केट के बारे में। यहाँ खजूरी बाजार है, यहाँ पर सभी प्रकार के पुस्तकें, कापियाँ, स्टेशनरी सभी मिलती है और पुरानी किताबें भी मिलती हैं। यहाँ बच्चे लोग पुरानी किताबें जमा कर जाते हैं और नई किताबें ले जाते हैं। यहाँ किराए से किताबें भी दी जाती है। अभी स्कूल के दिन आ चुके हैं, स्कूल लगने वाले हैं, तो किताबों के लिए क्या भीड़ बड़ी है यहाँ पर पहले से? एक जुलाई से स्कूल खुल जाते हैं, तो एक जुलाई से स्कूल है, बच्चों है, पेरेंट्स अपने सब माता पिता बच्चों के लिए स्कूल काफी किताबें पुस्तकें लेने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। जो किताबें कुछ अवेलेबल भी नहीं रहती है तो वो बाद में आ जाती है, काफी किताबों का शॉर्टेज भी हो जाता है और इस प्रकार से किताबों का यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट मेन मार्केट के कंपेरिजन में यहाँ पे क्या भाव में कुछ अंतर रहता है? बाजार से रेट यहाँ पर कम है कंपेरिजन में, बाकी दूसरी जगह इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर इधर पुरानी किताबें कहीं भी नहीं बिकती हैं। यहाँ पर पुरानी किताबें खरीद भी लेते हैं और पुरानी किताबें बेच भी देते हैं। और किसी बच्चों की जैसे किताबें चेंज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो बंद किताब वापस नहीं ले जाए, इसलिए हम रद्दी के भाव खरीद भी लेते हैं उसको, ताकि उनको वजन वापस से ले जाना नहीं पड़े। किताबों की कम कीमत होने के कारण हमेशा से ही यह मार्केट स्टूडेंट्स के लिए खास रहा है।